अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिर्जाज किचन। हमारा आज का रेसिपी है अचारी करेला। ये खट्टी मीठी रेसिपी है, बनाने में आसान है और खाने में लाजवाब है। चाहिए करेला, इमली की पल्प, सूखी लाल मिर्च, राई के दाने, गोटा जीरा, सौंफ, कलौंजी, मेथी के दाने, शक्कर, सरसों का तेल और नमक। करेले को हमें इस तरह बीच से काटना है। हमें करेले को इस तरह काट लेना है। ब्लांच के लिए हमने पानी बॉईल किया हुआ है और इस पे नमक डालना है। अब पानी में हमें करेला डाल के 5 मिनट के लिए हमें इसे ब्लांच करना है। हमें करेला का स्टफिंग बनाना है, इसलिए हमें एक पैन में थोड़ा राई का दाना, गोटा जीरा, सौंफ, मेथी दाना कम डालेंगे, वरना ये इसको पीता कर लेगा। थोड़े से कलौंजी और हमें 2 सूखी मिर्च डाल के हल्के से इसे भून लेना है। अब हमें इसे ग्राइंडिंग करना है। इस पे थोड़ा हमें शुगर डालना है। अब हमें इसमें थोड़ा नमक डालना है और हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स इमली का पल्प हमें डालना है, जो कि इसे अचार का फ्लेवर देगा, खट्टा मीठा फ्लेवर देगा। अब हमें करेला स्ट्रेन करना है। हमें करेले के अंदर से इस सीड्स को अलग करना है। अब करेले के अंदर हमें इस बॉल को डालना है। अब हमें एक पैन में, ग्रिल पैन में थोड़ा ऑयल डालना है। ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हमारा करेला भी तैयार है। इसे डाल के हमें पैन फ्राई करना है। अब हमारा अचारी करेला बनके तैयार हो चुका है। हमारा अचारी करेला बनके तैयार हो गया है। इसका थ्रेड हमें खोल के सॉर्ट करना है। लहा पीस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में।